सिरमौर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 कैटेगरी में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सिरमौर में 100 दिन का एक विशेष अभियान जल्द शुरू करने जा रहा है। दरअसल ये काम टीबी उन्मूलन को लेकर किया जा रहा है ताकि निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक देश सहित प्रदेश को रोग मुक्त किया जा सके। अभी फिलहाल वर्तमान में जिला सिरमौर में 700 के आसपास टीबी रोगी है। ऐसे रोगियों की संख्या समय समय पर कम और ज्यादा होती रहती है। को लेकर पिछले महीने के सारे जो कार्यक्रम हुए हैं उनका लेखा जोखा लिया गया, उन पर चर्चा की गई। विशेष तौर पे एक 100 डेज कंपेन शुरू हो रही है जो कि बस शुरू ही होने वाली है, जिसमें हम लोग एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, 16 ग्रुप्स हैं, 16 कैटेगरीज हैं, जिनके घर घर जाके उन्हें स्क्रीन करेंगे। उन्हें स्क्रीन करने के बाद अगर आवश्यकता हुई तो उनके स्पूटम के टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट भी माइक्रोस्कोपी से नहीं होंगे, सीवी नाट या ट्रू नाट से होंगे, ताकि अगर स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो सके और अगर मरीज को बीमारी है तो एकदम पकड़ में आ सके। इसमें हम जेल कवर करेंगे, इसमें हम रीएडिक्शन सेंटर्स कवर करेंगे, हम ऑर्फनेजेस कवर करेंगे, हम हॉस्टल्स कवर करेंगे, हम पुलिस लाइन्स भी कवर करेंगे, जहाँ भी लोग क्लोज सेटिंग में रहते हैं उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो टीबी के मरीजों के घर के लोग हैं उनको कवर करेंगे, जो डायबिटीज़ शुगर इस चीज़ के पेशेंट्स हैं उनको कवर करेंगे, जो किडनी के पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी लो वाले पेशेंट्स हैं, इन सबको कवर करेंगे। इसलिए हमने लाइन लिस्टिंग इसकी बन रही है, लाइन लिस्टिंग बन गई है, और इन लोगों का अब बड़ी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा घर घर जाके कवर करना। और जिनकी आवश्यकता होगी उनके हम एक्सरे करेंगे, जिनकी आवश्यकता होगी उनके हम बलगम की जांच करेंगे। ये गए हैं कि ऐसे मरीजों को जो भी DTBC स्कोरिंग जिनकी एक से ज़्यादा आती है उनको विशेष ध्यान दिया।